यूपी निकाय चुनाव में जीत दर्ज करने वाले आपके सभासदों और चेयरमैन ने रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री व पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि निकाय चुनाव में आपको मिली जीत संकेत दे रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता भी आपकी सरकार बनाने के लिए तैयार है। इस चुनाव में आपको उत्तर प्रदेश में धमाकेदार एंट्री मिली है और आप अगला विधानसभा चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। दरअसल आपने देश में राजनीति का नजरिया बदल दिया है, अब कांग्रेस और भाजपा भी आपके मैनिफेस्टो पर जनता से वोट मांगती है। केजरीवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश भाजपा का गढ़ माना जाता है, इसके बावजूद भी आपने भाजपा समेत दूसरी पार्टियों को हराया। आम आदमी पार्टी ने देश के अंदर राजनीति की पूरी व्याख्या बदलने की कोशिश की। उदाहरण के तौर पर हम कर्नाटक का चुनाव ले सकते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो पर चुनाव जीती है। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम बिजली फ्री देंगे, तो कांग्रेस ने भी बिजली फ्री देने की बात की। आप कहती है कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो कांग्रेस भी बेरोजगारी भत्ता देने की बात कहती है। हम मुफ्त राशन देने की बात कहते हैं, तो कांग्रेस भी मुफ्त राशन देने की बात कहती है। हम महिलाओं को 1,000 रुपये देने की बात कहते हैं, तो वो भी देने की बात कहते हैं। अब तो भाजपा वालों ने भी ये कहना चालू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रभारी एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बताया कि निकाय चुनाव में नगर पालिका परिषद के 4 चेयरमैन पदों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। साथ ही 9 नगर पंचायतों के चेयरमैन पदों पर जीत हुई। इसके अलावा 100 से अधिक वार्डों में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। दूसरे दलों से जीत दर्ज करने वाले 40 सभासदों ने रविवार को आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। इस तरह अब यूपी नगर निकाय में आम आदमी पार्टी के 150 से अधिक सभासद हो गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए संगठन बहुत जरूरी होता है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का संगठन अभी मजबूत नहीं है। हर गांव के अंदर हर बूथ पर 10-10 लोगों की कमेटी बनाएंगे। ये कमेटी बनने पर आपको उत्तर प्रदेश में कोई रोक नहीं सकता। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष से समर्थन जुटाने की मुहिम में लगे हैं। रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुंबई जाकर उद्धव ठाकरे व शरद पवार से भी मुलाकात करने की तैयारी में हैं। आप सूत्रों के अनुसार शरद पवार और उद्धव ठाकरे से 24 मई को मुंबई में मुलाकात करेंगे। 25 मई को मुंबई में ही शरद पवार से मिलेंगे। इससे पहले 23 मई को कोलकाता जाकर ममता बनर्जी से भी मिलेंगे। दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण के संबंध में केंद्र के अध्यादेश पर विवाद के बीच दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रमुख अजय माकन ने दिवंगत शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री के कार्यकाल को याद करते हुए रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एक सलाह दी। माकन ने केजरीवाल से कहा कि वो दिवंगत कांग्रेस नेता के दिल्ली की भलाई के लिए किए गए कार्यों से सबक ले। माकन ने अपने निजी ट्विटर हैंडल पर सीएम केजरीवाल को याद दिलाया कि उन्होंने दिल्ली की बेहतरी के लिए लड़ाई लड़ी थी। माकन ने कहा कि मुझे उम्मीद है वर्तमान मुख्यमंत्री इस यात्रा पर ध्यान देंगे और इससे सीख लेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने रविवार को कहा कि वो विभिन्न आयोजनों में सम्मान के तौर पर लोगों द्वारा दिए गए फूल या शॉल की जगह किताबें लेना पसंद करेंगे। सिद्धरमैया ने ट्विटर पर कहा, मैंने लोगों से फूल या शॉल स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है, जो अक्सर इस सम्मान के निशान के रूप में देते हैं। उन्होंने कहा कि लोग सम्मान के तौर पर उन्हें किताब दे सकते हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।